जस्टिस वी वांट जस्टिस के नारे से गूंज रहा है सभी अस्पताल। डॉक्टरी छात्र और छात्राओं ने किया प्रदर्शन। जब तक न्याय ना मिलेगी तब तक प्रदर्शन चलेगा। पिछले कुछ दिनों पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल में हुई डॉक्टरी छात्र का बलात्कार और हत्या को विरोध करते हुए मृतक परिवार को न्याय मांग और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पूरे भारत के मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है। ऐसे ही ओडिशा के कटक एसीबी मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र और छात्राओं ने भी मेडिकल कॉलेज के परिसर में अपना धरना प्रदर्शन किया है। उनका सरकार से डिमांड है कि मृतक परिवार को न्याय मिले और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। जब तक उनके डिमांड पूरे नहीं होंगे तब तक ऐसे ही आंदोलन चलेगा, ऐसा छात्राओं का कहना था। ये स्ट्राइक हमारा मेन फोकस है कि उसे जस्टिस कोलकाता में जो आरजीकर केस हुआ है वो हमारी डॉक्टर कॉलिग थी और उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, ये फर्स्ट है। और सेकंड है, हम अपने सिक्योरिटी के लिए भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी उतना सिक्योरिटी मिले। हम यहाँ पे रात में जा रहे हैं इमरजेंसी करने के लिए, हमारा जॉब, तो उसके लिए हमें भी सिक्योरिटी मिलना चाहिए। तो प्रोटेस्ट हमारा मेन फोकस वही है। सरकार के लिए तो वही फर्स्ट तो आरजीकर केस के लिए डिमांड चाहते हैं, जस्टिस उसको मिले और हमारे प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, वो सरकार के लिए हमारा वही डिमांड्स है। आगे तो हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, हम हमारा इमरजेंसी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे हैं, रूटीन सब ओपीडी ये सब बंद है, लेकिन हम ये कंटिन्यू देख मतलब हम इतना कंटिन्यू कर नहीं सकते क्योंकि सर्विस तो बंद नहीं कर सकते, बट वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर द जस्टिस ऑफ द आरजीकर केस। ना परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट सारे बंद नहीं किए हैं। इमरजेंसी में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है वी आर देयर टू अटेंड। आज जो आरजीकर में जो हुआ है उस लड़की के साथ, वो भी एक डॉक्टर थी, तो उनको जो अभी तक न्याय नहीं मिला है तो उसको लेकर हमारा आज का स्ट्राइक जो है, और डॉक्टर्स के सेफ्टी के लिए, जो वो लड़कियों के सेफ्टी के लिए रात में जो लोग ड्यूटी करते हैं उन लोगों की सेफ्टी के लिए, कि वो भी एक लड़की थी, उनके भी फैमिली मेम्बर्स थे, बट स्टिल उसके साथ जो भी हुआ है वो पूरा अपने आप को रिस्क में रख के पेशेंट की सेवा कर रही थी, बट उसके साथ जो भी हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ वैसा हो रहा है, होगा भी कभी, तो वो हम लोग भी पहले कभी नहीं सोचे थे कि वैसा कभी किसी के साथ होगा, बट जो भी उसके साथ हुआ है उसके बाद से हमें एक डर सा हो गया है, तो उसको भी न्याय मिले और हम लोगों की भी सिक्योरिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उसके जो भी मतलब आरजीकर में उसके बाद भी जो अटैक किया गया लोगों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, वैसा भी नहीं होना चाहिए, तो उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और हम लोगों की भी सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि डॉक्टर्स आगे जाके सेफ फील करें और लोगों की सेवा में भी उनको कभी दिक्कत फील ना हो। तो आगे का जो है, अभी हमारा तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारे डिमांड वो सब पूरी नहीं हो जाती और जल्द से जल्द वो मांग पूरी किया जाए, क्योंकि वो खाली हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है, पूरे देश भर के डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं, और ये खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं है, पूरी जनता को भी जागरूक करने के लिए है, तो सारी जनता सिस्टम सब लोग मतलब उसके थ्रू एक उनको भी अवेयरनेस और मैसेज मिलना चाहिए कि कभी किसी भी नारी के साथ वैसा ना हो और इस तरह की जघन्यकांड किसी के साथ भी ना हो, तो सब लोग अपने आप सेफ फील करें ताकि रात को भी जा सके। आज अभी एक इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे के दिन की लोगों ने अटैक किया था डॉक्टर्स के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए, हम लोग सेफ फील करना चाहिए ताकि रात के 12 बजे या 1 बजे भी हम लोग अपने ड्यूटी के लिए रूम से बाहर निकल के भी जा सकते हैं, तो वो हमारी डिमांड है कि जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग की जाए और आरजीकर में जल्दी से जल्द न्याय मिल जाए, जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमारा ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। मैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा, गायनिक डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर पीजी। अभी ये स्ट्राइक हमने, हम सबको पता है कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए ये स्ट्राइक हमने पैन इंडिया सब मेडिकल कॉलेज में एक साथ हमने शुरू किया है ये स्ट्राइक को। हम चाहते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स, खाली फीमेल डॉक्टर्स नहीं, सारे डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए सीपीए प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के लिए हम अपने ड्यूटी आवर्स में, अपने हॉस्पिटल प्रेमिसेस में सेफ फील करना चाहिए ड्यूरिंग एंटायर ड्यूटी।
वही हमारी सबसे पहली डिमांड है। सरकार नहीं माने तो आगे क्या करेगा? अभी तो हमने अपने रूटीन ड्यूटीज, रूटीन ओपीडी और वो सब बंद किया है, लेकिन अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो हमें इमरजेंसी भी बंद करना पड़ेगा। स्ट्राइक ऐसे ही कंटिन्यू होगा जब तक हमें जस्टिस ना मिल जाए।